हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सिंह राशि लियो अप्रैल 2020 की, कि आप लोगों की लियो राशि के जो लोग हैं, सिंह राशि के, सिंह और सिंह राशि के जो लोग हैं, उनकी लव लाइफ में या ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली है अप्रैल 2020 में। आपने लाइक ज़रूर करना है मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को, ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि जब भी रीडिंग इस चैनल पे अपलोड हो आप ज़रूर देखें। इस वक्त हम सब लोग ही घर में, डेफिनेटली लॉकडाउन है, प्लीज़ आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और सेफ्टी को फॉलो कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिनकी भी ये लियो वाली राशि है, तो हो सकता है उनको कोई गाइडेंस मिले, उनको कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि इस वक्त हम सबको एक दूसरे की हेल्प करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को उम्मीद अच्छी देने की ज़रूरत है, होप की ज़रूरत है सबको। तो देखते हैं लियो राशि के जो लोग हैं, सिंह राशि के जो मेरे लोग हैं, उनके लिए आपके लिए नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में क्या चेंजिंग आने वाली है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। हो सकता है आप विर्गो से डील कर रहे हो, हर्मिट, मेजर अर्काना, ओ माय गॉड, वाओ। सो हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है, फायर साइन भी हो सकता है, कोई और फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ओ वाओ, पाइसिस, द हाई प्रिस्ट इज पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड विर्गो, फायर साइन। ओके, मुझे लग रहा है आपका पार्टनर जिसे आप लव करते हैं, या अगर वो आपका ट्विन फ्लेम भी है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपका लवर है, आपका पार्टनर है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आप लोगों के दरमियान में शायद अभी इस वक्त कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर आपका लवर है तो हो सकता है आपका पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनसे बात नहीं करें, वो आपसे बात नहीं करें, और आपको शायद ये भी डाउट है कि वो आपसे अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो छुपा रहे हैं आपसे, कुछ चीज़ छुपा रहे हैं आपसे जो आपको बता नहीं रहे। द मून का मतलब है कुछ चीज़ें हैं जो आपको टेंशन दे रही हैं आपको, ठीक है। कुछ लोगों को डाउट भी हो सकता है कि आपका सोलमेट या आपका लवर या आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ डेट भी कर रहे हैं, आपको ये डाउट भी हो सकता है, ठीक है, आपको डाउट होगा। लेकिन आपके लिए मैसेज ये है द हर्मिट, कि आपका पार्टनर जो है वो डेफिनेटली इस वक्त हर्मिट मूड में है, हो सकता है वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हों, ये क्योंकि हर किसी की सिचुएशन इस तरह की है, हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, उनको ये टेंशन हो कि आप किसी को डेट कर रहे हो या आप उनसे बात नहीं कर रहे। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त आप डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को इस टेंशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट की तरफ से डेफिनेटली मैसेज मिलेगा इस वक्त में, अगर वो बहुत अरसे से साइलेंट था, द हाई प्रिस्टेस, वो आपको बता नहीं रहे थे या अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा हुआ था, द मून, ठीक है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और अगर आप मदर इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आपके बच्चे भी हैं और आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको अपने बच्चों की टेंशन हो कि ये कोरोना वायरस वाली हालत ख़राब, अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो ये भी टेंशन होगी आपको कि आपके हस्बैंड या आपके बच्चे जो है वो सेफ हों जहाँ पर भी हों, तो आप दुआ मांग रही होंगी इस चीज़ को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप फॉर ऑफ वॉन्ड्स, आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि अब आपकी शादी हो जाए, आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे शायद, द हाई प्रिस्ट मतलब है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी अरसे से आप सिंगल हैं, द हर्मिट हो सकता है काफ़ी अरसे से आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं अब आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए जिसके साथ आपकी शादी हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आता है आप ऑलरेडी एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, या स्पिरिचुअल शादी में हैं, या कमिटमेंट में हैं, आप चाहते हैं कि अब आपको, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आप चाहते हैं कि अब आपका बच्चा हो जाए, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं मतलब आपके बच्चे नहीं हैं तो आप दुआ मांग रही हैं कि बच्चे हो जाएँ, शायद ये भी हो सकता है आप मदर बनना चाहती हैं, द मून, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, डेफिनेटली बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर हम लवर की बात करें तो पार्टनर आपका कब से आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था या बता नहीं रहा था शायद अपनी फीलिंग्स को, अभी भी फीलिंग्स हिडन हैं, छुपाई हुई हैं, लेकिन आप अप्रैल में मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक किस्म की गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने उस लवर से, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले जब भी आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर दे या इवन मैसेज कर दे, ये भी बात हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। और अगर आप टोटली सिंगल हैं तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस शादी को अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में कोई खुशी आए, कोई गुड न्यूज़ मिले, आप बोर हो चुके हैं शायद घर में, टेंशन भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि हम सब लोग ही घर में बंद हैं, तो टेंशन भी हो सकती है कुछ लोगों को, बाकी सब हो सकता है अपने आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को लाइफ में सोचने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए इस वक्त, आप लोग ये सोच रहे होंगे, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई आप में इंटरेस्टेड हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको मैसेज करे, तो कोई आप में इंटरेस्टेड है और वो इंसान आपको देखता है कि आप लवर के तौर पे हो और वो आपसे बात करना चाहता है, मैसेज पे बात करना चाहता है या कम्युनिकेट करना चाहता है, या कोई आपको लव ऑफर भी कर सकता है, ठीक है।
या आपका अपना लवर ही आपको डेफिनेटली मैसेज पे बात करेगा, और ये शायद आपको लगता है कि यही आपके लिए सेफ पार्टनर है क्योंकि आप लव करते हैं उनसे. ऑब्वियसली आपको लगता है ये आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, जो भी है. सक्सेस, डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लवर को, अपने पार्टनर को. अगर आप सिंगल मदर हैं तब भी आप चाहती हैं कि आपकी कहीं शादी हो जाए, या आप ये भी हो सकती हैं कि आप मतलब आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, शादीशुदा हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, तो उसमें भी आप शायद मैनिफेस्ट कर रही हैं, दुआ मांग रही हैं कि आपके बच्चे हो जाएँ. आपकी जो भी विश है ना यहाँ पर सक्सेसफुल, आपको उसका मतलब ये है एंजल्स की तरफ से आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगी. ठीक है, पेज ऑफ वांड्स, डेफिनेटली गुड न्यूज़ आपके फेवर में होगी. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अपनी मदर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिले. ठीक है, आपकी मदर शायद आपको कोई पैसे भेजें या कोई चीज़ आपको भेजें घर में. ठीक है, तो आपको खुशी होगी. लेकिन अगर आप, मुझे लगता है आप जिस इंसान से भी डील कर रहे हैं लव के लिहाज से, या आप जिसको मिलेंगे अपने न्यू लवर को, वो स्पिरिचुअल होगा आपकी तरह ही. You and your loved one are safe. New moon in cancer. Cancer भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो. कैंसर यहाँ पे है तो डेफिनेटली किसी का मून कैंसर में, विरगो में या पाइसिस में भी हो सकता है जिसको आप डील कर रहे हो. You and your loved one are safe. Definitely आपकी फैमिली सेफ है, आप सेफ हैं. और ये एक जो कनेक्शन आपसे, कोई इंसान अगर आपसे लव कर रहा है या आपको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, या आपको लगता है कि आप किसी के साथ फॉलिंग इन लव हो रहे हैं, मतलब आप किसी से लव करते हैं, तो आपके लिए सेफ है वो इंसान. आप ट्रस्ट कर सकते हैं उस इंसान पर अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो. ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पे क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि ये लव आपके लिए सेफ़ है. जो भी आपको इंसान लाइफ में आ रहा है या आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो सेफ है. तो हो सकता है अपने फेयर्स को एक तरफ कीजिए, टेंशन को एक तरफ कीजिए और ओपन अप होइए. डेफिनेटली किसी को तो मैसेज पे बात करनी पड़ेगी, किसी को तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में. बाय गाइज़.